घर में आए हुए मेहमान के बच्चे जितना परेशान नहीं करते उससे कहीं जा। तो दोस्तों आजकल मार्केट अपने मोमेंट से परेशान करने लगा है। लेकिन जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं भाई, हम तो बच्चे के साथ जैसे खेलते हैं बिल्कुल मार्केट के साथ भी वैसे खेलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वोलाटाइल मार्केट मेरे भाई, लेकिन क्या दिक्कत है भाई, जब मूव पकड़ना आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1128 पे कह दिया था मैं अपने फ्री वाले ग्रुप पे, क्लियर कट बोल दिया था 19,382 के ऊपर अगर निफ्टी जाएगा तो ही आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्रिस्टल क्लियर व्यू, कॉल बाय करना है आपको, और क्या चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए जैसे ही निफ्टी ने मेरे लेवल ब्रेकआउट किया पूरे के पूरे बूम, अभी कभी जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि कल के दिन है फिर निफ्टी का एक्सपायरी और उसका जीरो टू हीरो में लेवल देने वाला हूं। याद है ना पिछली बार बैंक निफ्टी एक्सपायरी में दोस्तों 250 पॉइंट का मैंने लेवल दिया था बैंक निफ्टी का। और अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया था आज के दिन, आपने पेड वाले ग्रुप पे पूरे टॉप से पकड़ा दिया था पुट। अगर आप देखेंगे दोस्तों 932 पे ही 19,550 का पुट को मैंने वॉचलिस्ट पेड करने को बोला और 949 पे बाय करने को बोला 19,550 का पुट। 949 मतलब आप जरा देखिए यहां पे हमने पुट बाय किया था, ये देखिए दोस्तों ये प्लेस पे, एग्जैक्टली ये प्लेस पे, और यही मूव को हमने कैच किया एग्जैक्टली, पूरे हमने टॉप से दोस्तों पुट को कैच किया। इसीलिए अगर देखेंगे जो भी मैंने पुट दिया वही पुट पे आज के दिन प्रॉफिट बना के रखे हैं। तो आप जाके फ्री में पहले एंजॉय कीजिए, उसके बाद अगर पसंद आया तो ही पेड सर्विस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पेड सर्विस फ्री वाले से और भी 10 गुना अच्छा है, बट फ्री में पैसा कमाए यहां पे मैं इंपोर्टेंस देता हूं। और एक खुशी की बात बताऊं आपको, आज के बाद हर दिन दो वीडियो आने वाला है, यानी कि ये वाले वीडियो पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे, ऑप्शन चेन देखने वाले हैं, और फिन निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल वीडियो इसके बाद 15 मिनट बाद आने वाला है। इसीलिए दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल को रखिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो मिस होगा। और मैं आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार दो वीडियो बनाऊं, चाहे टाइम ज्यादा लगे मेहनत डबल लगे, लेकिन आपको क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आएगा। पूरे के पूरे फिन निफ्टी का मैं रेडी करके रखा हूं दोस्तों, ये वीडियो शूट के बाद वो बनाऊंगा और वहां पे ए टू जे पिन पॉइंट हम एनालिसिस करेंगे, और बाकी दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग अलग आएगा, सो दैट आप पूरे फोकस करके वीडियो को देख सकें। ओके तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम बैंक निफ्टी से शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं यार। आपका डिमांड यार कदमों पे, क्योंकि यार आपका डिमांड जो वो मैं सुनूंगा, क्योंकि लोग सजेशन दिए कि आप दोनों वीडियो कहीं ना कहीं लाइक रखो बोल के, इसीलिए दोस्तों आपका डिमांड मेरे हमेशा कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका डिमांड। तो चलिए हम चालू करते हैं। देखिए अगर समझ लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट है, फिर गैप डाउन खुला 43,883 के नीचे अगर जाना चालू किया तो हम पुट बाय करेंगे। इसके पीछे पहला रीजन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे देखेंगे जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन में बना के रखा हूं, इसी ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन को एक बार बैंक निफ्टी ने टच किया था, अपसाइड का मोमेंटम दिया था, सेकंड टाइम टच किया था फिर अपसाइड का मोमेंट दिया था। तो बस ये ग्रीन कलर ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होना चाहिए, ये ग्रीन कलर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ तो क्या होगा कि ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ऊपर से 43,883 का जो लेवल है ये आज का सपोर्ट जोन है, क्योंकि आज के दिन देखेंगे मार्केट गैप अप खुला नीचे आया और यहां से ही दोस्तों कहीं ना कहीं यू बनाया, यू पैटर्न यहां पे देखेंगे दोस्तों, एक यू पैटर्न बना के कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ सफर किया, लेकिन कोई खास मोमेंट नहीं था, बड़ा ही परेशान कर रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं यार, फ्री वाले ग्रुप पे जो जुड़े उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल बात है दोस्तों, अगर समझ लीजिए कल के दिन ये जो सपोर्ट टूटा ना, यानी कि 43,883 के नीचे आना चालू किया, तो आराम से सेल करेंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन टूट जाएगा, ट्रेंड लाइन में दो बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है तो तीन बार ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं लेगा। ट्रेंड लाइन टूटा यानी कि ट्रेंड चेंज हुआ, और कंफर्मेशन कब मिलेगा, 43,883 लेवल के नीचे मिल जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, इतना बाइंग की अगर मैं बात करूं बहुत आसान है और आप सबको पता भी चल गया होगा हमें बाइंग कब करना है, जो मैं हमेशा सिखाता हूं दोस्तों। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुला, कंडीशन समझिए, फ्लैट गैप अप खुला ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया या फिर इस टाइप का हायर हाई पैटर्न बनाया, फिर अगर 44,105 को ब्रेकआउट देता है तो ही दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे सिंपल रीजन है, ट्रिपल टॉप दोस्तों बना है आज के दिन, आप खुद देख लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 44,105 के लेवल पे। यहां पे देखिए एक बार टच किया डाउन मारा, दूसरी बार टच किया डाउन मारा, तीसरी बार टच किया डाउन मारा, तो ऑलरेडी दोस्तों तीन बार इस लेवल से रिजेक्ट कर चुका है। तो कल के दिन अगर समझ लीजिए मार्केट खुला और ऐसे ही दो तीन ग्रीन कैंडल मारना है, भाई मत कीजिए, फेक ब्रेकआउट है, इसमें मत फंसिए, क्योंकि मार्केट आजकल ना बहुत समझदार हो चुका है और फंसाने के लिए, मतलब जो लोग सोचते हैं उसका उल्टा, मतलब आप भी ये ना कि सोचेंगे, लोग वो सोचेंगे यार 44, इसीलिए मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं दिया, मतलब सोचा कि यार इग्नोर ही करते हैं,
अच्छा हम अब दे नहीं रहा है, ऊपर से कहीं ना कहीं जब से वो 15 पता नहीं क्या क्या क्वांटिटी हुआ है, 15 क्वांटिटी तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, उल्टा निफ्टी में, अच्छा निफ्टी में पैसा बन रहा है भाई। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 44,000 बेचारा जो ये सोचा होगा राउंड लेवल है यार, ब्रेकआउट पे बाय करूं यहाँ पे सेली मार देगा, फिर बाद में ऊपर चला जाएगा सोचेगा कि यार ये हाई पे तो कन्फर्म में बाय करूं, फिर बाद में आके सेल मार देगा। तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड कीजिए क्योंकि आजकल फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बढ़ चुका है। तो कल के दिन फ्लैट गैप अप खुला, कंसोलिडेट किया एंड 44,105 ब्रेक किया तो हम कॉल बाय करेंगे, इतना क्लियर हो गया दोस्तों, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप है। 43,961 पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दें, हमारा बैंक निफ्टी आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर, ये हमारे पुट राइटर, इनका काम दोस्तों रेजिस्टेंस क्रिएट करना, इनका काम सपोर्ट क्रिएट करना। और कॉल राइटर भाई साहब पूरे की आज के दिन जोश अगर देखोगे तो ये जोश बोलते हैं, क्योंकि आप जरा देखिए, एक तो बैंड बजा भाई, सच बात बोलूं तो यार बोलूं क्या क्या मैं बोल रहा हूं, कभी कभी जल्दी में कुछ भी वो निकल जाता है। सच बात बोलूं, जब जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है कॉल राइटर का हालत खराब। आज के दिन देखिए इतना चौपी मूव होके भी ये देखिए वो अलग ही मूड पे हैं दोस्तों। 43,800 पे -6 लाख कॉल राइटर वाइप आउट, 43,900 पे -5 लाख, 43,000 अगर आप देखेंगे 700 पे -2 लाख कॉल राइटर भाग चुके हैं, बट 44,000 पे अगर देखेंगे दोस्तों कितने हैं भाई, कहां गया मैग्निफाइंग ग्लास, कहां गया यार 2 लाख हो गया खत्म, इतने में बस 2 लाख कॉल राइटर भाई, कुछ कॉल राइटर है ही नहीं। 44,100 के लेवल पे देखेंगे 4 लाख, 44,200 के लेवल पे ही दोस्तों आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगा, वो है 9,91,000। अगर 44,200 के ऊपर चला तो मार्केट बुल टेरिटरी में चला जाएगा, उसके ऊपर अगर देखेंगे ओनली 2 लाख कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं, तो 44,200 के ऊपर कंफर्म बाय। सेलिंग की बात करूं तो 44,000 ये राउंड लेवल को नोट करके रखिए, क्योंकि 44,000 पे 17 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं पुट राइटर हैं, उसके नीचे 11 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। तो 44,000 के नीचे जाता है या फिर 43,900 के नीचे तो ही हमें सेलिंग का पोजीशन लेना है। क्लियर हो गया दोस्तों, आप जल्दी चले जाते हैं निफ्टी ओके, और निफ्टी खत्म होने के बाद अगला वीडियो 15 मिनट बाद ही अपलोड हो जाएगा दोस्तों फिन निफ्टी का। तो देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यार बैंक निफ्टी से तो अच्छा है। आज के दिन पेड वाले ग्रुप पे हमने डॉट यहां से पुट बाय किया यहां से, क्योंकि पता था ये रेजिस्टेंस है ना, पहली बार टेस्ट करने जा रहा है तो यहां से कहीं ना कहीं डाउन मारेगा, खाया हमने ये मूव को। बाइंग की बात करूं दोस्तों 81 के ऊपर दिया था ना, इसके ऊपर ये भी हमने छोटा सा मूव खाया। तो कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके, फ्री में मैं दे रहा हूं दोस्तों, कोशिश तो कर रहे हैं हर एक मूव कैच करने के लिए। तो कल के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन खुला और 19,363 के नीचे आना चालू करता है तो हम पुट बाय करेंगे। पहला रीजन ट्रेंड लाइन है, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, एक बार इसी ट्रेंड लाइन को टच किया यहां से बना रॉकेट, दूसरी बार अगर देखेंगे दोस्तों टच किया यहां से बना फिर रॉकेट, तीसरी बार अगर देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आज के दिन टच किया फिर बना रॉकेट, मतलब रॉकेट नहीं यार, इतना बेकार क्या मूव देता है रॉकेट, रॉकेट तो तेजी से जाता है। तो यहां पे देखेंगे 3 बार ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुका है, तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। दूसरी बात 19,363 देखेंगे, एक कंप्लीटली रेजिस्टेंस है। यहां पे देखेंगे दोस्तों एक बार इसी रेजिस्टेंस लेवल को कहीं ना कहीं निफ्टी ने टच किया डाउन गया, दूसरी बार दोस्तों इसी रेजिस्टेंस लेवल को निफ्टी ने टच किया फिर डाउन मारा, और तीसरी बार आज के दिन इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया एंड देखिए डॉट रिटेस्ट किया, इसी रेजिस्टेंस यहां पे बना सपोर्ट, फिर सीधे सीधे ऊपर की तरफ मूव किया। तो बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है, पहले दोस्तों ये रेजिस्टेंस था, आज के दिन बन चुका है सपोर्ट, तो कल के दिन ट्रेंड लाइन प्लस सपोर्ट लाइन इस लेवल को दोस्तों अगर ब्रेकडाउन करता है 19,363 के नीचे तो हमें सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा। बाइंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बस कल के दिन मार्केट फ्लैट है फिर गैप अप खुला, 19,425 के ऊपर जाना चालू करता है तो हम बाय करेंगे, बट टारगेट रहेगा 19,482। अगर 19,482 या फिर 467 इसके ऊपर सस्टेन किया तो ही निफ्टी में आपको बुलिश मोमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे 19,425 के नीचे दोस्तों सिंपल डिजन है, आज का डे का हाई है और वहीं में भी आखिरी टाइम पे थोड़ा 2 कैंडल में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो इसके ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन बाइंग की तरफ कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है यार, ये तो निफ्टी भी फंसा है दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगा आपको सब रिमूव करके। देखिए 19,476 से 19,482 इस रेंज में निफ्टी फंसा है, ये पहली बार रेजिस्टेंस क्रिएट किया नीचे गिरा, दूसरी बार टच किया रेजिस्टेंस को नीचे गिरा, तीसरी बार टेस्ट किया नीचे गिरा, तो ऑलरेडी ये 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो इसके ऊपर जब तक नहीं आता ना तो इसी रेंज के अंदर आपको खेलना पड़ेगा। अगर मैं पूरा ड्रॉइंग को रिमूव कर लूं तो आप खुद देख लेंगे कितना बेकार दोस्तों एक रेंज में फंसा है निफ्टी, ये देखिए इस रेंज में,
इस रेंज में दोस्तों कहीं ना कहीं सालों बीत चुका है, निफ्टी इसी रेंज में फंसा है। अब इस रेंज के एक तो ऊपर जाएगा तो मोमेंट है, नीचे जाएगा तो मोमेंट है। इसके अंदर आपको ये छोटा छोटा ट्रेंड लाइन, ये छोटा छोटा रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे खेलना पड़ेगा, और तो कुछ कर नहीं सकते। 19,380 पे कहीं ना कहीं क्लोज दिया है दोस्तों, निफ्टी अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे है हमारा कॉल राइटर, यहाँ पे है पुट राइटर। तो ये सारे कॉल राइटर आज के दिन भागे, सारे कॉल राइटर बोले कि यार क्या चल रहा है हमारा, क्योंकि वो बोले कि कुछ भी नहीं निफ्टी भाई, अलग ही स्विंग है निफ्टी का। देखो पहले तो निफ्टी खुला, ये कैंडल में सबको डरा दिया, यहां से हमने पुट बाय किया, प्रॉफिट ले लिया। अब फिर ब्रेकआउट जब किया तो ये जितने सारे कॉल राइटर बोले कि भाई भागो बोल के, अब तो बचने नहीं वाले, अलग ही मूड में है निफ्टी। ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, आखिर में फिर डाउन हो गया। तो कॉल राइटर बोले कि यार परेशान करके रखा है यार ये निफ्टी हमें, करें तो करें क्या बोल के, क्योंकि देखिए 19,390 के आसपास क्लोज दिया दोस्तों, यानी कि 19,400 के आसपास। तो जितने कॉल राइटर वो भाग चुके 19,300 पे, -14 लाख कॉल राइटर भाग चुके 19,250 पे, -5 लाख, उसके नीचे -1 लाख वाइप आउट हो चुके हैं। 19,450 में ही हमारा कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं, वो कि 14 लाख, और 19,500 के ऊपर तो दोस्तों खुला आसमान पड़ा है, 21 लाख से ज्यादा कॉल राइटर। तो कल के दिन दो लेवल बताता हूं, 19,400 एंड 19,500, ये दो के ऊपर जाएगा तो ही कहीं ना कहीं निफ्टी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं सेलिंग की बात करूं, ह्यूज पुट राइटिंग, 19,350 पे 40 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, 19,300 पे 23 लाख, 19,200 पे 11 लाख। तो 19,350 और 300 ये दो हमारा सपोर्ट बने, क्योंकि 19,350 पे है कहीं ना कहीं 40 लाख से ज्यादा पुट राइटर, 19,300 पे 23 लाख। तो अगर कल के दिन 19,350 के नीचे आता है सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और 19,300 के नीचे और कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी मैं लेवल बता चुका हूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज यार आप लोग क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी मैं रिप्लाई नहीं दिया, पेंडिंग है जो कि मैं आपका रिप्लाई देने वाला हूं। तो आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, कल के दिन आएगा वीडियो में कुछ लोगों का क्वेश्चन जिनका मैं आंसर देने वाला हूं। तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए, सो देर कल के वीडियो में मैं आपको मेंशन करके आपका क्वेश्चन यहां पे प्लेस होगा, आंसर देने वाला हूं। और अगला वीडियो जरूर देखिए, फिर निफ्टी का आने वाला है अगला वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। थैंक यू।